आज सेशन में अब हम बात करने वाले हैं सोशल एक्टिविस्ट की, क्योंकि दीपा धामी जी हमारे साथ हैं, स्वागत आपका। नेहा शर्मा जी हमारे साथ हैं, सोशल वर्कर, आपका भी स्वागत है। और दीपा धामी जी के बारे में बता दें कि समाज को जागरूक करने की जो अलग आप जगा रही हैं, वीमन एम्पावरमेंट को लेकर जो ट्रेनिंग के जरिए आप कैसे ग्राउंड पर काम करती हैं वो जरा बताइए। साथ ही क्योंकि महिलाओं के सशक्तिकरण के साथ उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत करना, इसके साथ ही उन्हें नई पहचान दिलाना, ये मुहिम किस तरह शुरू हुई, कैसे मिशन शुरू किया आपने? सबसे पहले तो आप सबका धन्यवाद कि मुझे आपने इस पर आमंत्रित किया। समाज सेवा मेरे दिमाग में एकदम से कोई चलता हुआ विचार नहीं था कि सोचा था कि कभी समाज सेवा के लिए उतरना है, लेकिन अचानक मैं 2014 की बात है, मैं रुद्रप्रयाग ज़िले में किसी काम से गई थी, किसी अपने रिलेटिव के घर गई हुई थी। तो वहाँ पर मुझे मतलब जब देखा मैंने कि आज भी पहाड़ों में स्थिति बहुत ही गंभीर स्थिति है, बच्चे दूर 3-4 किलोमीटर चल के स्कूल पहुँचते हैं, और मैं जिस समय मैं गई थी वो सर्दियों का समय था, और उस समय मैंने देखा कि एक छोटा सा बच्चा बहुत नंगे पाँव चल रहा है, उसके फटे हुए पीछे से चप्पल हैं और शरीर पे कपड़े नहीं हैं ढंग के, और मतलब एक फटी हुई सी शर्ट उसने पहनी हुई है और वो चलता जा रहा है। तो मैं अचानक रुकी, मैंने कहा बेटा कहाँ जा रहे हो? तो उसने बोला कि मेरे फादर नहीं हैं और मैं स्कूल जा रहा हूँ, स्कूल में भोजन मिलता है, मध्यान्ह मील होता है जो, तो मैं वहाँ के लिए जा रहा हूँ। और मैंने कहा तो आप जा रहे हो और आपके पास चप्पल भी नहीं? उसने बोला हमारे पास ना क्या कहते हैं है नहीं, हमारी मतलब आर्थिक रूप से हम कमजोर वर्ग है हमारा, मतलब हम लोग यही कह सकते हैं कि आर्थिक रूप से हम संपन्न नहीं हैं। तो मैंने उससे पूछा, तो उसने बोला, मैंने उससे ऐसे ही पूछा, मैंने कहा अच्छा बताओ कि अभी आप सिर्फ खाना खाने जा रहे हो? उसने बोला नहीं मैं पढ़ूंगा अभी, खाना भी मुझे दिन का मिलता है, तो मैं वहाँ से दिन का खाना खा के घर आऊँगा और वहाँ से मैं अपनी मम्मी के लिए भी खाना लेके आऊँगा। तो मुझे बड़ा सोचने पर मुझे विवश होना पड़ा कि हम अपने बच्चों को, जब हम सर्दियों में हम अपने बच्चों को कहते हैं कि सॉक्स पहन लो, स्वेटर पहन लो, जैकेट पहन लो, बिस्तर से नीचे मत उतरो, तो मैंने सोचा हम अपने बच्चों को इस तरह से रखते हैं, लेकिन एक बच्चा इस इतनी दूर रुद्रप्रयाग के एक दूरस्थ क्षेत्र में इस स्थिति से इस किसी कारण अपनी मतलब जो सुख सुविधाओं से मतलब संपन्न नहीं है, तो मुझे लगा कि क्यों ना मैं उसके घर में जाके उसकी मम्मी से मिलूं। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कि आपने बच्चे को कपड़े भी नहीं पहनाए हैं और ऐसी क्या परिस्थितियां हैं? तो उन्होंने बोला कि इसके फादर की डेथ कुछ टाइम पहले हो गई थी और मेरे पास 2 बेटियां हैं, बड़ी बेटियां हैं, लेकिन मैं उन्हें स्कूल भेजती हूँ और ये बेटा है, लेकिन हमारे पास इतना मतलब इतनी संपन्न नहीं है कि हम इनको सारी सुख सुविधाएँ दे पाएँ। तो मैंने उनसे ऐसे ही पूछा कि आप करते क्या, कुछ आपका कुछ प्राइज़ है जिनको आप कर सकते? तो उन्होंने कहा कि मैं ना क्या कहते हैं वो बनाती हूँ, दाल की बड़ियाँ बनती हैं। ओके, दाल की बड़ियाँ बनती हैं। जब मैंने कहा कि अच्छा आप बना लोगे, हम आपको रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराएंगे और आप बना के हमें दोगे, हम आपसे खरीद लेंगे। शुरू में तो बड़ा मुश्किल था कि रुद्रप्रयाग से, यहाँ से देहरादून से रुद्रप्रयाग से मंगाना, बहुत सारी चीज़ें ऐसे हमें देखने मतलब हालात ऐसे देखने पड़े कि बहुत मुश्किल हमारे लिए भी होता जा रहा था, लेकिन वहाँ से एक लेडी से शुरुआत हुई और उसने जब दाल की बड़ियाँ बनाना शुरू की, फिर हमने, क्योंकि हम बोल तो देते हैं हम आपको काम दे रहे हैं, लेकिन उसके बाद क्या होता है कि उनको मार्केट प्रोवाइड कैसे करेंगे, उनको हम लोग, उनका सामान कौन खरीदेगा? तो धीरे धीरे बहुत सारे कस्टमर्स ऐसे थे जिनकी क्वेरीज आती थी कि मुंबई से नहीं हमें दाल की बढ़िया बना के दो, हमें ना पहाड़ का ये आपका ये जो बोलते तिमला बोलता है ये अचार होता है आप यहाँ, तो वहाँ से एक शुरुआत हुई। धीरे धीरे हम लोगों ने अपने स्टेप्स आगे बढ़ाए, हम लोगों ने दाल की बढ़िया से शुरू किया, फिर मुझे लगा कि हम ट्रेनिंग तो बाद में देंगे, ट्रेनिंग वाले स्तर पर धीरे धीरे पहुंचेंगे, क्यों ना हम उन महिलाओं से शुरू करें जिनको जो घर में ही रहकर कुछ ना कुछ अपने हुनर में एक्सपर्ट है और कुछ ना कुछ बना रही हैं। बहुत सी महिलाएं कोई पापड़ बना रही हैं घर में, कोई अचार बना रही हैं, कोई बिल्कुल महिलाओं में हुनर होता है लेकिन संसाधन नहीं मिल पाते। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि नेहा शर्मा जी आप अनुभवी डमी हैं और साथ ही सोशल वर्कर होने के साथ साथ फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं आफे की देहरादून की, तो आप बताइए स्किल डेवलपमेंट और जो कौशल विकास की बात होती है किस तरह से आप महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए ट्रेनिंग कर रही हैं, और क्योंकि फूलों की खेती की जब बात आती है तो आपने उसको भी बिजनेस बना दी, तो बड़े कमाल की बात है। पहले तो मैं इस मंच से इंडियन न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ और आपको हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देना चाहती हूँ कि आपने महिलाओं को लेकर इतना अच्छा कॉन्क्लेव करा है और अलग अलग मैं सुबह से बैठी हुई हूँ यहाँ पर, आप पैनल डिस्कशंस करा रहे हैं। आपने बात कही फूल की खेती, अब हम देखेंगे कि आजकल उत्तराखंड में पलायन बहुत न्यूज़ में आता है और एक ये हमारी कोशिश है कि हम किस तरह से जो खेत बंजर पड़े हैं उत्तराखंड में उनको किस तरह से हम उगाएं, उनमें कुछ ना कुछ मेडिसिनल प्लांट हैं,
फूलों की खेती है या ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स, उनको उगा के वहाँ के युवाओं को रोजगार। अब मैं अपनी बात करूँ तो मैंने 5 साल पहले ऑर्गेनिक फार्मिंग एक्टिव तब हुई मैं जब कोविड हुआ था, लॉकडाउन था, तो मैं 1 महीना अपने फार्म पे रुकी और मैंने वहाँ पर काम करना शुरू करा और धीरे धीरे करते करते सीखा भी वहाँ के आसपास के लोगों को, गाँव को खास तौर से मैंने रोज़गार दिया। और आज जो रेड रोज़ है, लाल गुलाब, वो पूरा मार्केट में हमारे फार्म से ही जाता है और कम से कम 8 से 10 महिलाएं हम इसमें रोज़गार में लगाते हैं। स्किल स्किल सिर्फ स्किल देना नहीं होता, जैसे कि दीपक ने बोला, हमको ज़रूरत है मार्केट प्रोवाइड कराने की। और स्किलिंग ये तो एग्रीकल्चर की हो गई, लेकिन मेरी अपनी जो संस्था है त्रिकोण संस्था, वो 6 ट्रेड्स में हम लोगों ने स्किलिंग का काम करा है, जिसमें आपको मैं बताऊं, शायद पहली बार आपसे बहुत लोगों ने सुना होगा कि हमने महिलाओं को सिक्योरिटी गार्ड की ट्रेनिंग भी दी है और उनको हमने प्लेसमेंट भी दिया है, क्योंकि ये सेला कोई वारा पूरा बेल्ट हमारा फैक्ट्रीज का, ट्यूशंस हमारे जो टीचर्स हैं, हमारे स्कूल्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पर भी हमने प्लेसमेंट दिया है। फिक्की फ्लो इट्स अ चेंबर ऑफ कॉमर्स, यहाँ पर महिला जो उद्योगपति हैं और प्रोफेशनल लेडीज़ हैं, उनका ये पूरा एक ग्रुप है उत्तराखंड चैप्टर का, और मैं इसकी चेयरपर्सन रह चुकी हूँ लास्ट ईयर तक। हम लोगों के यहाँ अलग अलग इनिशिएटिव चलते हैं, जैसे एग्रीकल्चर इनिशिएटिव है हमारा, विलेज डेवलपमेंट का है, और इसी तरह हमने उसमें भी महिलाओं को जो स्लम में रहती हैं, जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं, जो दूर दराज इलाकों में रह रही हैं, उन हमने ट्रेनिंग देने का काम शुरू करा है। और इसमें हमने टेक्निकल पार्टनर्स भी बनाए, हमने यूनिवर्सिटीज़ के साथ MOU साइन करा। और हमारी कोशिश है, जैसे हमारी बहुत सारी मेंबर्स जो हैं स्कूल ओनर्स हैं, हॉस्पिटल ओनर्स हैं, हॉस्पिटैलिटी में हैं, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि जैसे दीपा जी हैं, दीपा जी एपन का बहुत अच्छा काम कर रही हैं, लड़कियों को सिखा रहे हैं, हालांकि कुमाऊं का कल्चर है बट उन्होंने गढ़वाल में भी उसको इतनी अच्छी तरह से बना रखा है कि इतनी सफाई से वो कर रही हैं। तो हम जो हमको सोविनर्स देने होते हैं, हम इनसे ले लेते हैं, वी प्रिक्योर फ्रॉम यू नो हर बुली फाउंडेशन, सेम इज़ विद दी फोल्डर्स इन डायरीज जो एपन आर्ट के लोग बना रहे हैं। तो कोशिश हमारी यही है कि हम एक इंडिविजुअली महिला एक अलग अलग काम ना करके एक ग्रुप में, जैसे ये दीपा जी बना रही हैं तो हमने इनसे प्रक्रिया। कितनी शानदार बात कही आपने कि महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए महिलाएं खुद आगे आ रही हैं और एक दूसरे की हेल्प कर रही हैं, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि ग्राउंड पर आप लगातार काम कर रही हैं, उत्तराखंड में ग्राउंड पर क्या रियलिटी है, कितनी जो चैलेंजेस हैं वो आपने फेस किए यहाँ पर? मैं चंपावत ज़िले से हूँ और मेरे पिताजी गवर्नमेंट जॉब में डॉक्टर रहे हैं, और हम लोग हर साल, हमारे पिताजी हमको चंपावत लेके जाते थे जस्ट टू यू नो स्टे कनेक्टेड विद आर रूट्स। तो जब हम वहाँ जाते थे तो मैं देखती थी कि वहाँ पर कितना संघर्ष है महिलाओं के लिए। और एक बार मैंने अपनी मदर से पूछा भी कि जब सेग्रीगेट होके, बहुत सालों पहले की बात है, जब एक मीटिंग थी तो वहाँ पर महिलाएं सेग्रीगेट होके बैठी हुई थी, तो मैं उस टाइम कॉलेज में पढ़ ही रही थी, तो मैंने अपनी मदर से पूछा कि ये अलग अलग क्यों बैठी हैं, तो मेरी मदर ने बोला कि इट इज़ अ कास्ट सिस्टम यहाँ पर। एंड आई वॉज वेरी शैटर्ड टू सी लाइक वो महिलाएं जो घर चला रही हैं, पहाड़ की महिलाएं जो घर चला रही हैं, इतनी दूर से काम करती हैं, आप उनको अलग सेग्रीगेट कर देते हैं। सो देन आई डिसाइडेड यू नो कि मैं सोशल वर्क में मेरा इंक्लिनेशन बहुत बढ़ गया एंड आई परस्यूड माई मास्टर इन सोशल वर्क MPhil PhD एंड देन माई मदर गॉट रजिस्टर्ड दिस NGO व्हेन आई वॉज परस्यूइंग माई ग्रेजुएशन। और उसके बाद गुरु राम राय PG कॉलेज में आई वॉज हेड ऑफ डिपार्टमेंट फैकल्टी ऑफ सोशल वर्क में। सो वहाँ पर मैंने काम तो मैं करती थी, मेरा मेन फोकस था कि इस तरह के समाज कार्य हम करें और इस तरह के हम प्रोफेशनल सोशल वर्कर्स। सोशल वर्कर बहुत होते हैं लेकिन लोग इसे पार्ट टाइम की तरह लेते हैं, लेकिन आपने इसे अपना एक तरीके से करियर ही बना लिया है, ये बहुत मैं आपको बताऊं, जब मैं कॉलेज मैंने ज्वाइन करा था वहाँ पर सिर्फ 6 स्टूडेंट्स थे MSW में, बट आफ्टर 1 or 2 years द सीट्स वर फुल एंड नाउ इट हैज़ बिकम अ प्रोफेशनल सोशल वर्कर्स हम लोगों ने बनाया एंड आई एम वेरी हैप्पी टू सी देम दैट दे आर डूइंग अ रियल गुड जॉब, बहुत अलग अलग सब जगह ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं। दीपा जी, क्योंकि उत्तराखंड का जो आर्ट एंड कल्चर है उसमें भी बहुत से स्कोप हैं रोज़गार को लेकर, किस तरह की क्रिएटिविटी उसके लिए आगे आती है जो महिलाएं जिनको आप ट्रेनिंग दे रही हैं, किस तरीके से आप उन्हें सिखाते हैं? मैंने देखा था कि मधुमनी जो बिहार की एक लोक कला है उसको काफ़ी मतलब लोग जानते थे, लेकिन जब कभी हम जाते थे तो मुझसे लोग पूछते थे उत्तराखंड की भी कोई कला है, तो मतलब सोचना पड़ता था, अच्छा कला तो है लेकिन
एक्चुअली बताएं कैसे इनको कि क्योंकि उसको कोई जानता ही नहीं था उसको, मतलब अपने मतलब उसको बताएं कैसे कि ये कला का कैसे हम लोग, ये कला कहाँ से आई है और कैसे हम इसको करते हैं, क्योंकि क्या होता था ये कला जो ऐपन कला है उत्तराखंड की, ये पहले जो लोग बनाते थे घरों में बनाते थे मिट्टी के, जो मिट्टी के घर होते थे उसमें ये गेरू और बिस्वार होता है, बिस्वार होता है चावल को भिगो के उसको पीस के देन उसको बनाया जाता था, और इसका एक प्रॉपर तरीका होता है बनाने का, इसको ऐसा नहीं कि ये कला है तो आपने बस आप उसको ड्रॉ कर दिया, नहीं, इसको एक प्रोसेस होता है कि कब यहाँ पर स्टार्ट कैसे करना है, ये कला एक बिंदु से शुरू होती है और बिंदु पर ही जाके खत्म होती है, इसको कहते हैं कि वास्तु दोष खत्म करती है, बहुत सारी चीज़ें हैं कि रिद्धि सिद्धि आती है, मतलब मतलब शुभ मानी जाती है, कोई भी शुभ कार्य की अगर शुरुआत, बिल्कुल जब आप कुछ करना चाहते हैं तो बहुत सी चीजें आपको मिल जाती हैं आपके आसपास ही, आपको बस नजर डालनी होती है, और बहुत अच्छा काम आप लोग करें कि संसाधन आप लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, केवल कहने की बात नहीं है, महिलाओं को इंस्पायर कर रहे हैं, बहुत ही शानदार आपका काम है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े दीपा जी, नेहा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।